करना है सिलेक्शन ऑफ नॉकआउट माइस। तो लास्ट मेथड में हमने पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़े थे मेथड्स के बारे में, तो आज पढ़ लेते हैं सिलेक्शन के बारे में। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि ये जो है ये हम करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में, कहाँ करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, ठीक है। अब हमें सिलेक्ट करने हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिसमें नॉकआउट माइस या फिर नॉकआउट प्रोसीजर है ना, नॉकआउट प्रोसीजर मतलब जो जीन हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो हो चुका हो, है ना। कि क्योंकि होता क्या है कि कुछ सेल्स हैं जिनमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डिलीट हो चुका है ना। अब कुछ जो है उसमें क्या है कि नहीं हुआ, ठीक है। और मेजरली हमने एक मेथड यूज फॉलो किया था, डिटेक्ट किया मतलब स्टडी किया था, जिसमें हमने बोला था कि हमारे पास जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं, मान लो कि हमने बोला कि यहाँ पे 3 जीन्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो हमने बात की थी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बारे में, हमने बोला कि हम क्या चाहते हैं इस जीन को डिलीट करना चाह रहे हैं, कौन सा नंबर जीन को डिलीट कर रहे हैं, सेकेंड नंबर जीन को। तो हमने बोला कि हम क्या करेंगे, एक वैक्टर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, कोई वैक्टर यूज़ करेंगे, है ना, या फिर हम कोई लीनियर डीएनए यूज़ कर लेंगे जिसके पास जो सीक्वेंस है वो होमोलोगस हो, है ना। जैसे हमने बोला जीन टारगेटिंग वाली टेक्निक पढ़ी थी, ठीक है। अब हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, नियोमाइसिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो हमने बोला कि जब, अच्छा इसको मैंने बोल दिया जीनोम लोकाई, क्या बोल दिया मैंने, जीनोमिक लोकाई। और ये हमारे पास क्या है, हमने बोल दिया कि वेक्टर है जिसमें क्या है हमारे पास जो हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेशन में, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीट कर देगा, ठीक है जी। तो हमें क्या चाहिए, हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, है ना, हम वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ढूंढेंगे जिसमें क्या हो, ये कंडीशन हो, अब थोड़ा सा डिस्टिंग्विश के लिए बता दूं मैं कि अब ये जो है, ये चीज है, ये जो चीज बनी, ये बनी एम्ब्रियोनिक सेल्स में, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में, जिसको मैंने जीनोमिक लोकाई भी बोल दिया था, अभी जीनोमिक, ठीक है जी। तो हमें वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसमें ये कंडीशन हो, ये कंडीशन मतलब इसमें सेकंड नंबर वाला जीन क्या है, डिलीट है, डिलीटेड, ठीक है जी। अब ये हम दो मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा रेस कर देते हैं जो नहीं चाहिए, तो हम देखते हैं दो मेथड लेंगे, ठीक है। वन मेथड इज यू कैन से पॉजिटिव सिलेक्शन, एक हमारे पास पॉजिटिव सिलेक्शन, दूसरा जो हम लेंगे वो लेंगे हम नेगेटिव सिलेक्शन, अब जो पॉजिटिव सिलेक्शन है पहले उसको देख लेते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन में हमने एक्चुअली क्या किया, हमने एक रिपोर्टर जीन लगा दिए यहां पे कि जो जीन एक्सचेंज होगा किसके साथ, जो जीन हम नहीं चाहते। तो अगर आप देखोगे कि यहां पे है ना, वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हम ढूंढ रहे हैं जिसमें न्यूमाइसिन रेसिस्टेंट जीन हो, यहां पे एनयूआर हमने बोला न्यूमाइसिन रेसिस्टेंट। अब आप क्या करते हो, एनिमल टिश्यू कल्चर करते हो, ठीक है। अब उसमें आप क्या कर रहे हो, सेल ग्रो कर रहे हो। अब इन सेल को आप ग्रो कर रहे हो किसमें, उस मीडिया में जहां पे आपने नियोमाइसिन एंटीबायोटिक ऐड कर दिया। अब कौन से सेल ग्रो करेंगे, सेल वो ग्रो करेंगे जिनमें ये नियोमाइसिन रेजिस्टेंट का जीन होगा। तो यहां पे आ गई सिलेक्शन की, मतलब वही सेल ग्रो करेंगे जो कि नियोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो, रेजिस्टेंट कौन होगा, हमारे पास वो एम्ब्रियोनिक सेल जिसमें कि रिकॉम्बिनेशन होगी, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगी, और हम बोले कि वो एम्ब्रियोनिक सेल जिसमें जीन नॉकआउट हो चुका है। ओके, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सिलेक्शन की,
नेगेटिव सिलेक्शन में हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसको बोलते हैं नॉकआउट कंस्ट्रक्ट बोल लेते हैं, जो कि वेक्टर का पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने बोल दिया कि फिर से मैं वन एक नियोमाइसिन रेसिस्टेंट जीन लगा दिया, यहाँ मैंने सेकंड, और इसमें क्या करना है हमने एक थाइमिडीन काइनेज, क्या यूज़ किया मैंने थाइमिडीन काइनेज। अब जो ये थाइमिडीन काइनेज है ये हमने हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, जिसको हम HSV बोल देते हैं, तो ये हमने क्या किया इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है जी, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक जीन जो कि वेक्टर है, सपोज ये हमारे पास वेक्टर है, हमने वेक्टर लिया और इस वेक्टर का इतना पार्ट मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ कि इस पार्ट में क्या है, ये पार्ट, चलो इसको मैं इसको मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये हमारे पास हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का पार्ट। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 थर्ड जीन, और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो सेकेंड जीन है इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। डिलीट कैसे कर रहे हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, क्योंकि ये जो फर्स्ट एंड थर्ड जीन है ये क्या है, होमोलोगस सेम, मतलब दे आर सीक्वेंस सेम। ठीक है, अब क्या हुआ देखो इसमें जो समझने वाली बात है, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो सेकेंड जीन है इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। डिलीट कैसे कर रहे हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, क्योंकि ये जो फर्स्ट एंड थर्ड जीन है ये क्या है, होमोलोगस सेम, मतलब दे आर सीक्वेंस सेम। ठीक है, अब क्या हुआ देखो इसमें जो समझने वाली बात है, इसमें जो मेन रोल आएगा वो आएगा HSV हर्ब सिंप्लेक्स वायरस का, जिसकी थाइमिडीन काइनेज, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस का थाइमिडीन काइनेज जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया साइड ऑफ दिस थर्ड जीन। अब क्या होता है, देयर इज वन कंपाउंड वी कॉल्ड इट गेनसाइक्लोविर। ठीक है, अब समझ लेते हैं पहले, फिर हम पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे। जो गेनसाइक्लोविर है ये क्या है, इट इज एनालॉग ऑफ डीऑक्सीग्वानोसिन, इसका ये क्या है, एक एनालॉग है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको जो गेनसाइक्लोविर है इसको क्या करेगा, जो हर्ब सिंप्लेक्स वायरस का थाइमिडीन काइनेज है इसको कन्वर्ट करेगा टॉक्सिन सब्सटेंस में, किसमें, टॉक्सिक कंपाउंड में। ओके, तो इसको कन्वर्ट कर रहा है ये टॉक्सिक कंपाउंड में। अब देखो क्या बोला मैंने, गेनसाइक्लोविर है एक कंपाउंड है जो कि एनालॉग है डीऑक्सीग्वानोसिन का, और ये इसको है ना गेनसाइक्लोविर को क्या करे, HSV थाइमिडीन काइनेज का टॉक्सिन सब्सटेंस। अब देखो कि ये DNA है, ठीक है, अब DNA रेप्लिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे था हमारे पास साइटोसिन, इसके अपोजिट क्या होना, ग्वानोसिन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि गेनसाइक्लोविर ऐड हो गया, क्योंकि ये क्या है, एनालॉग किसका है, डीऑक्सीग्वानोसिन का, तो कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट क्या हुआ, क्या ऐड हो गया हमारे पास, गेनसाइक्लोविर ऐड हो गया। अब इस गेनसाइक्लोविर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, किसी टॉक्सिक कंपाउंड में। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हुआ टॉक्सिक सब्सटेंस में, और मोर ओवर क्या हुआ कि जो DNA इलोंगेशन फर्दर नहीं हुई, तो DNA इलोंगेशन यहां पर हॉल्ट हो गई, नो फर्दर DNA इलोंगेशन। और जब DNA इलोंगेशन नहीं होगा तो DNA रेप्लीकेट नहीं कर पाएगा, रेप्लीकेट नहीं करेगा तो क्या होगा, सेल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, खत्म, डाई। ठीक है जी, अब देखो बैक आ जाओ थोड़ा सा, अब बात करते हैं कि ये हमारे पास है जीनोमिक लोकाई और ये हमारे पास है वेक्टर, जिसमें कौन सा वेक्टर, इसमें हमने नॉकआउट कंस्ट्रक्ट बोलते हैं इसको, नॉकआउट कंस्ट्रक्ट है जी हमारे पास। अब नॉकआउट कंस्ट्रक्ट में क्या है, दो सीक्वेंस जो कि फ्लैंकिंग सीक्वेंस हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है, किसके फ्लैंकिंग है,
वन और थ्री के, और हम कौन सा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सेकेंड जीन को डिलीट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने न्यू माइसिन लगा दी। अब अगर हो जाती है क्या होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाती है तो हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमको मिलेगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, वन न्यू माइसिन रेसिस्टेंट जीन और ये थ्री, ये मिलेगा हमको किस केस में। अब ये क्या गया हमारे पास, ये जीनोमिक लोकाई है, जीनोमिक लोकाई जहाँ पे क्या हुई है, जहाँ पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुई है। तो एक बना ये प्रोडक्ट जिसमें कि हमारे पास एच सी वी थाइमिडिन काइनेज नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये जीन नहीं आया, किसमें नहीं आया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के में या फिर जीनोमिक लोकाई में नहीं आया, ठीक है। कि जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगी तो ये जो जीन है ये उन सेल में नहीं जाएगा, ठीक है जी, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा मतलब ये जीन एब्सेंट है, किस में एब्सेंट है, ये जो एच एस वी टी के जीन है उन सेल में एब्सेंट होगा जिसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुई है, मतलब डन है, ओके तो इसमें एब्सेंट होगा ये, ठीक है। और इसमें क्या न्यूमाइसिन रेजिस्टेंट जीन भी है, तो आप इसका तो फायदा ले ही रहे हो। अब बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कब होगा, ठीक है जी, ये कब प्रेजेंट होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ, देखो दो क्राइटेरिया हैं, या तो ये होमोलोगसली रिकॉम्बाइन कर जाए, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये जो हमारे पास नॉकआउट हमने बनाया, कंस्ट्रक्ट बनाया, ये इंस्टेंट इंस्टेंट ऑफ शोइंग होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ये क्या करे, ये क्या किया इसने, ये मान लो हमारे पास ये था, हमारे पास वन और ये टू है, ये थ्री है, क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, वही जीनोमिक लोकाई है, ठीक है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का। लेकिन ये इंस्टेंट ऑफ शोइंग होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ये क्या किया, ये कहीं और साइड पे जाके एज सच क्या कर गया, ये बाइंड कर गया, मतलब अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया। और जब इंटीग्रेट कर लिया तो क्या हुआ है, ये जो टी के जीन है थाइमिडिन काइनेज जीन, ये भी इंट्रोड्यूस हो गया, हो गया इंट्रोड्यूस। अब जब ये इंट्रोड्यूस हो गया तो ये क्या करेगा, ये एक प्रोटीन बनाएगा जिसकी एक्टिविटी क्या, थाइमिडिन काइनेज की। अब ये थाइमिडिन काइनेज क्या करेगा, है ना, ये करेगा गैन साइक्लोवीर को कन्वर्ट कर देगा दैट इज टॉक्सिक कंपाउंड में, ठीक है, और डीएनए इलोंगेशन को इनिबिट कर देगा। मतलब कि आपने क्या किया, आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ जो हमने मेथड डिस्कस किए थे, जो आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी आफ्टर द प्रोसीजर नॉकआउट, है ना, आफ्टर द प्रोसीजर नॉकआउट, आपने क्या किया, आपने सेल को एक प्लांट टिश्यू, मतलब एनिमल टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, आपने सेल्स को एनिमल टिश्यू कल्चर में लेके चले गए, एनिमल टिश्यू कल्चर लैब में गए और वहाँ आपने सेल्स को ग्रो करा रहे, कौन से सेल को ग्रो करा रहे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को। और आपने क्या करा, इसमें ऐड कर दिया गैन साइक्लोवीर, ठीक है, क्या ऐड किया हमने, गैन साइक्लोवीर। अब जिसमें ये कंडीशन होगी, है ना, जिसमें ये वाली कंडीशन होगी, सेकेंड कंडीशन, तो वो सेल तो क्या हो जाएंगे, डाई। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये जो एंजाइम बनेगा यानी प्रोटीन बन, जो प्रोटीन बनेंगे और एंजाइम बनेंगे वो क्या करेगा, गैन साइक्लोवीर कन्वर्ट कर रहे हैं टॉक्सिक कंपाउंड में, तो सेल हो जाएंगे डेथ, ठीक है। तो अब ये आया कि ऐसे रैंडमली कहीं पे इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अब बात करूं कि चलो इसको थोड़ा सा हम, चलो अब बात करते हैं सेकेंड केस में जो हमने किया था अभी, कि ये है आपके पास वही जीनोमिक लोकाई, ये है वन, ये है न्यूमाइसिन रेसिस्टेंट जीन, ये है थर्ड, ये कब कंडीशन आएगी, ये कंडीशन तब आएगी जब यहाँ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगी वन और थ्री के बीच में। जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगी तो ये वाला जीन क्या होगा, एब्सेंट, ओके, एब्सेंट होगा तो यहाँ पे आप गैन साइक्लोवीर भी डालोगे तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ओनली सेल विद होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, है ना,
विद द रिकॉम्बिनेंट और नॉकआउट सॉरी विद द विद नॉकआउट नॉकआउट विल सर्वाइव, मतलब जिस पास ये कंडीशन आएगी तो वो सर्वाइव करेंगे और जो दूसरे सेल हैं जो कहीं पर भी एस से जाके इंटीग्रेट कर गए वो क्या हो जाएंगे, डाई। ओके जी, तो आई विश के आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।